रात 8 बजे यानी 7:55 पर सुपर प्राइम टाइम में जो सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे वो पंजाब में लुधियाना में हुए ब्लास्ट के बारे में होगी। और ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें वहाँ क्या कुछ हुआ, वहाँ किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम मौजूद थे, क्या अहम जानकारियाँ अभी तक निकल कर सामने आ रही हैं, साजिश का इशारा अगर हो रहा है तो किस तरफ और किस दिशा में जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, ये सब हम आपको बताएंगे। और इसका नतीजा अब क्या होने वाला है, ये ब्लास्ट होने के बाद कैसे ये मुद्दा राजनीति में भी छाया हुआ है, इसका क्या असर हो सकता है, इसके पीछे कौन हो सकता है, साजिश करने के पीछे जो लोग हैं उन्हें किस तरह का फायदा इसमें दिखाई दे रहा था, तो ये सारे बिंदु हम कवर करेंगे। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे रात 8 बजे। सबसे पहले पंजाब में हुए इस ब्लास्ट लेकर खास तौर पर इस वजह से भी इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है, लगातार बार बार इस बात की चर्चा होती रही है कि ये सेंसिटिव प्रदेश है, पंजाब में लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश समय समय पर होती रही है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की कोशिश हो या यहाँ पर घुसपैठ कराने की कोशिश हो, जो यहाँ से निकले वो तमाम लोग हैं जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि शांति हो पंजाब में, उनको समर्थन करने का अगर मामला हो पाकिस्तान में, वो तमाम मुद्दे भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। तो कैसे ये बेअदबी के मामले एक के बाद एक होना और उसके बाद ये ब्लास्ट होना, इनके बीच में क्या कोई कनेक्शन है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, ये सब कुछ हम आपको रात 8 बजे दिखाने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको चीन पर एक बहुत अहम रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि कैसे समंदर में चीन ने एक सैटेलाइट वाली साजिश की है, चीन ने एक समंदर किनारे एक ऐसा वॉर हेडक्वार्टर बनाया है जो अपने आप में बहुत खासियत रखता है क्योंकि वहाँ से चीन बहुत तरह के अटैक कर सकता है और बहुत से जो अटैक उस पर किए जा रहे हैं उन्हें वहाँ से निष्क्रिय कर सकता है। तो ये सब कुछ हम आपको रात 8 बजे दिखाने वाले हैं। इसके अलावा OIC की जो बैठक हुई थी पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान ने कैसे मुँह की खाई है, इमरान खान को उन्हीं के घर में, जिस मुद्दे पर वो पूरी दुनिया में शेर होकर घूमते हैं उस मुद्दे पर कैसे उन्हें उन्हीं के घर में हार मिली है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम ओमिक्रॉन पर भी बात करेंगे कि कैसे ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, यूके में एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं और क्या नए साल का आगाज दुनिया में अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन के साथ भी हो सकता है, तो ये यानी ओमिक्रॉन पर दुनिया में इस समय क्या स्थिति है और आगे क्या हालात हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप न्यू ईयर पर कहीं जा रहे हैं तो क्या कुछ हो सकता है और आपको किन बातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये सब हम आपको दिखाएंगे रात 8 बजे सुपर प्राइम टाइम में। तो देखिए, जुड़िए मेरे साथ देखने के लिए सुपर प्राइम टाइम 7:55 पर, देखिए TV9 भारतवर्ष पर और आप इसका लाइव टेलीकास्ट हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं यानी TV9 डिजिटल पर भी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।